हेलो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद एआर। लर्न इंग्लिश विद एआर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग प्रपोजिशन इन एंड विद इन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन और विद इन का फ्यूचर टेंस में इसका यूज कहाँ करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए कि वह एक महीने के बाद आएगा, या फिर एक महीने में आएगा, या फिर एक महीने के अंदर आएगा। इन तीनों सेंटेंस में आप विद इन का प्रयोग करेंगे या फिर इन का प्रयोग करेंगे, ये कन्फ्यूजन बना रहता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, ये कन्फ्यूजन आपका आज ही क्लियर होने वाला है। सो इन का मतलब होता है में या फिर के बाद, और विद इन का मतलब होता है के अंदर या फिर के पहले। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और एक बात फ्रेंड्स की इन और विद इन जो है पीरियड ऑफ टाइम के पहले यूज होगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह फिक्स टाइम के लिए नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि वह एक महीने के बाद आएगा या फिर एक महीने के अंदर आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक महीने में हम लोग जानते हैं कि सर कितना दिन, 30 दिन होते हैं। मान ली 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 करते करते कितना जाएंगी, 27, 28, 29, 30, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक महीने में आएगा या फिर एक महीने के बाद आएगा। मतलब यह हुआ कि वह पूरे के पूरे 300 दिन ले लेंगे, और 30 दिन के बाद वाला दिन में वह आएगा। यानी कि ये इसका मतलब यह नहीं हुआ कि यह 300 दिन के बाद कि 28 तारीख को पहुंच जाएगा, 27 तारीख को पहुंच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मे का मतलब होता है कि वह पूरा टाइम ले लेगा। जैसे वह एक महीने में आएगा तो एक महीने में या एक महीने के बाद तो पूरा समय ले लेगा वो। सो यहाँ पे हो सकता है कि नहीं वो 30 दिन के ही अंदर आए, उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। ये हो सकता है कि नहीं सर 31वां दिन आ जाए। सो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, किसका, इनका। लेकिन अगर कोई कहे कि वह एक महीने के अंदर आ जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि अंदर का मतलब हो सकता है कि वह 25 तारीख को आ जाए, हो सकता है कि वह 26 को आ जाए, हो सकता है कि 27 को 28 को आ जाए। इसका कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब है कि वो 30 को टच नहीं करेगा, वो 30 को टच नहीं करेगा, ये इससे पहले ही खत्म हो जाएगा। सो वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, विद इन का प्रयोग करेंगे। आप समझ गए, विद इन का प्रयोग अंदर ही रहेगा, वो टच नहीं करेगा। अगर कहे कि वो एक हफ्ते के अंदर आ जाए तो एक हफ्ते में कितने दिन, 7 दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा तो हो सकता है कि वो 6ठा दिन आ जाए या फिर 5वां दिन आ जाए, वो 7वां दिन नहीं लेगा। तो वहां पे किसका प्रयोग करेगा, विद इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि वह एक हफ्ते के बाद आएगा तो बाद वाला क्या होगा कि या तो आप 7वां दिन ले ले, या 7वां दिन बाद छोड़ के जो 8वां दिन होगा वो लेगा। तो वहां पे आप इनका प्रयोग करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, राइट। जैसे कि वह एक महीने में लौटेगा या फिर वह एक महीने के बाद लौटेगा, ठीक है। यानी कि पूरा महीना ले लिया, सो वहां पे बनेगा कि ही विल रिटर्न डॉट 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 अ मंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, विद इन या इन, ऑब्वियसली यहाँ पे इन भराएगा। क्या भराएंगे, यहाँ पे इन होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं कि वह एक महीने के अंदर लौटेगा। यहाँ पे कह रहा है कि वह एक महीने के अंदर लौटेगा, ना उसको टच करेगा, ना 30वां दिन 28वां दिन टच नहीं करेगा, वो क्या एक महीने के अंदर ही आ जाएगा। सो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे, विद इन का प्रयोग करेंगे। सो क्या होगा कि ही विल रिटर्न विद इन अ मंथ, कि वह एक महीने के अंदर लौटेगा। जैसे कि मैंने बताया कि वह सिर्फ फ्यूचर टेंस में ही इन दोनों का यूज बताएंगे। सो रोहन एक हफ्ते में दिल्ली से लौटेगी, एक हफ्ते में, इसका मतलब है कि रोहन एक हफ्ते के बाद दिल्ली से लौटेगी। एक हफ्ते के बाद इसका तो पूरा ले लेगा, यानी कि 7ों दिन पूरा ले। हो सकता है कि वह 7वां दिन आए, 8वां दिन भी आ सकता है, यानी कि 6ठा दिन नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे क्या होगा कि रोहन विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, कि रोहन कहाँ से लौटेंगे, दिल्ली से लौटेंगे, कब, इन अ वीक, यहाँ पे होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा दिन 7ों दिन ले लेते हैं। So, यहां पे इन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, मैं 4 दिनों के अंदर आ जाऊंगा। मतलब है कि 4 दिनों का अंदर आ जाऊंगा, तो 1, 2, 3, 4, मतलब 4 पूरा समय नहीं लेगा वो। हो सकता 3 को आ जाए या फिर 2 को आ जाए,
यानी कि वो चार को टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा तो क्या होगा, विद इन का प्रयोग अंदर ही रहेगा, तो सो अंदर जो रहेगा उसका हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विद इन का प्रयोग करेंगे। सो क्या होगा कि आई विल कम विद इन 4 days, कि मैं 4 दिनों के अंदर आ जाऊंगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग अनदर वीडियो, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो ला सकता हूँ। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।